ऑक्यूपेंसी सर्टिफिकेट के बिना नहीं मिलेगा पावर कनेक्शन। नागपुर हाईकोर्ट ने एक बड़े फैसले में ये तय किया है कि किसी भी बिल्डर के प्रोजेक्ट को तब तक पावर कनेक्शन नहीं मिलेगा जब तक बिल्डर को ऑक्यूपेंसी सर्टिफिकेट नहीं मिल जाता। कुछ ही महीनों पहले अमोस टाउनशिप बिल्डर के खिलाफ कोर्ट में एक PIL दर्ज कराई गई थी, जिसके बाद कोर्ट ने यह निर्णय लिया है। मध्य प्रदेश स्मार्ट सिटी प्लान का मुआयना करने आई ऑस्ट्रेलिया से एक टीम। ऑस्ट्रेलिया से करीबन 150 प्रतिनिधि भारत आए हुए हैं मध्य प्रदेश स्मार्ट सिटी प्लान का मुआयना करने और साथ ही साथ भारत में अपना कारोबार फैलाने। इन प्रतिनिधियों ने राज्य के अर्बन डेवलपमेंट प्राधिकरण के अधिकारियों के साथ मीटिंग करी और स्मार्ट सिटी प्लान की जांच भी करी। चेन्नई रियल्टी फर्म का MD हुआ गिरफ्तार। गुरुवार को पुलिस ने इन्वेस्टमेंट प्राइवेट लिमिटेड के MD अजीत थॉमस अब्राहम को गिरफ्तार कर लिया है। बिल्डर के ऊपर होमबायर्स के साथ धोखाधड़ी का आरोप है। करीबन 33 लोगों को बिल्डर ने अपने जाल में फंसाया और उन्हें अपने प्रोजेक्ट में घर दिलाने के बहाने करोड़ों रुपए का चूना भी लगा दिया। कुछ अटकी हुई परियोजनाएं खराब कर रही है रियल एस्टेट मार्केट को। कॉन्फेडरेशन ऑफ रियल एस्टेट डेवलपमेंट एसोसिएशन ऑफ इंडिया क्रेडाई का मानना है कि रियल एस्टेट में अटकी हुई परियोजनाएं पूरे रियल एस्टेट क्षेत्र पर बुरा असर डाल रही है। क्रेडाई ने कहा कि दिल्ली NCR में कुछ बिल्डरों की परियोजनाएं अटकी पड़ी है, जिसके चलते लोगों का विश्वास रियल एस्टेट मार्केट से उठता जा रहा है। 14,000 संपत्तियां मोदी के निशाने पर। भारतीय रिजर्व बैंक की तरफ से नोटबंदी के आंकड़े सार्वजनिक किए जाने के बाद आयकर विभाग ने एक खुलासा किया है कि भारत के प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी के निशाने पर 1 करोड़ रुपये से अधिक राशि की 14,000 संपत्तियां भी हैं, क्योंकि इन संपत्तियों के मालिकों ने आयकर रिटर्न दाखिल नहीं किया है। आयकर विभाग का मानना है कि ऐसे लोग उसके रडार पर हैं। अब आयकर विभाग इस मामले की जांच पड़ताल करेगी। अगर आपको हमारी वीडियो अच्छी लगे तो लाइक करें, हमारे YouTube चैनल को सब्सक्राइब करें और ज्यादा से ज्यादा शेयर करें।